हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 94। टुडे इज अ पुश वर्कआउट और आज के पुश वर्कआउट में पहले हमारे दो सेट हैं बेंच के, विच इज 77.5 केजीस के दो सेट 8 रेप, एंड देन वी विल मूव ऑन टू इंक्लाइन स्मिथ मशीन फॉर सम गुड चेस्ट गेन्स, ठीक है। और उसके बाद आज चेस्ट ज़्यादा ट्रेन करेंगे बिकॉज इट्स गोना बी अ चेस्ट फोकस्ड पुश वर्कआउट, एंड एक या दो मूवमेंट शोल्डर की, और कल हमने ट्राइसेप्स ट्रेन कर ही लिए थे तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। शोल्डर की एक मूवमेंट मैं फ्रंट डेड्स के लिए रखूँगा और दूसरी मूवमेंट मैं रेयर डेड की, और हाँ हमारी 3 से 4 मूवमेंट चेस्ट की रहेगी, 2 मूवमेंट शोल्डर की, और अगर मुझे लगता है कि थोड़े से और ट्राइसेप्स ट्रेन करूँ बाकी, क्योंकि सोरनेस है ठीक है, नो ट्राइसेप्स टुडे। तो हाँ ये 3 चीज़ें हम करने वाले हैं, और हाँ सीधा मिलते हैं बेंच के 2 सेट पे। आज मैं सोच रहा हूँ लार्सन प्रेस लूँ बिकॉज इट्स अ लाइट डे, तो जितना कम अपना मैं नॉर्मल बेंच सेशन की फॉर्म से कम कर पाऊँ उतना बढ़िया रहेगा। लार्सन प्रेस थोड़ी स्टेबलाइज रहती है, तुम सारा वेट पुश कर रहे हो अपने हाथों से, तो देखते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि वेन एवर यू आर डूइंग अ पुशिंग मूवमेंट, चाहे वो यहाँ से पुश हो रही हो चाहे वो ऊपर से पुश हो रही हो, तुम्हारी सिर्फ कोई पर्टिकुलर मसल ही ट्रेन नहीं हो रही होती उसमें। जैसे अगर तुम चेस्ट ट्रेन करो जरूरी नहीं सिर्फ उसमें चेस्ट ही आएगी, तो जैसे तुम पुश करो फ्रंट पे तो उसमें तुम्हारे शोल्डर्स और ट्राइसेप भी काम आएंगे ऊपर की तरफ, फिर तब भी तुम्हारे ट्राइसेप होंगे। तो अगर तुम किसी पुश वर्कआउट में ट्राइसेप ट्रेन नहीं कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें ट्राइसेप ट्रेन करे ही नहीं है, तुम उन्हें यूज कर ही रहे हो। तो हाँ सीधे चलते हैं बेंच पर। सो एक सेट मैंने गलती से 73.25 का ले लिया, बट उसके बाद 2 सेट मैंने 77 के लिए, एंड नाउ वी आर डूइंग इंक्लाइन स्मिथ मशीन। उसके तीनों के तीनों सेट नहीं, 2 सेट मैंने लार्सन पे लिया था, तो हाँ बढ़िया गया। और लार्सन की वजह से थोड़ी सी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी बेंच में, जो यूजुअली बहुत कम रहती है फ्लैट बेंच में। सीधा अब हम एक बढ़िया रेप रेंज पे ट्रेन करेंगे, विच इज 15, देखते हैं। One more set. Nice.
क्यों? Nice set. इस बार तो पहला सेट मैंने लिया वो 90 केजी के 1.5 रेप से और जो वॉल्यूम उसमें पुट हुआ उन्होंने देखा होगा बहुत जो मुझे आया तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई थी देन ड्रॉप बहुत तगड़ा चेस्ट पंप आया बट आई कैन फील कि मेरे चेस्ट के हर एक स्ट्राइशों से फट चुके हैं या अब करते हैं केबल फ्रेंड्स एंड वी विल बी बैक एक प्लेट का ड्रॉप लिया और कॉन्ट्रैक्शन बहुत प्यारी आई ठीक है और सच में किया है मैंने कोई पिन कम नहीं करी इस बार ठीक था वन मोर सेट और इस बार ड्रॉप तगड़ा लूंगा आई विल गो वन मोर प्लेट हैवियर और इसका वेट में जा रहा हूँ 55 तक तो हाँ फिर इसके बाद छोड़ना पड़ता है आज की चेस्ट ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल और इफेक्टिव थी देखा जाए तो अभी मेरे चेस्ट बहुत गंदी दर्द कर रही है और एक बहुत तगड़ा पंप आया और हमने 5 सेट क्या कहते हैं 3 सेट मेरे बेंच के थे आज और 3 से 4 सेट मेरे थे इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे ड्रॉप को इंक्लूड नहीं करा मैंने और इस पे भी मैंने 4 से 5 सेट ले चुका हूँ फ्लाइंग पे तो हाँ बहुत अच्छा स्ट्रेच के साथ एक आज का बेंच वर्कआउट होता था अब सीधा शोल्डर पे चलते हैं और फ्रंट डेड ट्रेन करते हैं दो और सेट
भाई मेरे को इस मशीन पे हैवी नहीं जाया जाता, पता नहीं क्यों, मेरे शोल्डर्स बहुत वीक है स्ट्रेंथ वाइज, थोड़ा रेपिटेशन ज़्यादा कर देता है, एक फिट ले ही लेता। हाँ एक सेट और, तो आज के शोल्डर मूवमेंट के लिए फ्रंट डेल्ट बहुत तगड़े ट्रेन कर लिया हमने, तो अब सीधा रेयर डेल्ट ट्रेन करते हैं, और हाँ थोड़ी सी ट्राइसेप्स और आज के लिए काफी रहेगा। रेयर डेल्ट में मैं पेक डेक फ्लाई को रिवर्स पेक डेक फ्लाई यूज करूंगा, नो लेटर रिजर्व। तो हाँ लेते हैं 4 से 5 सेट रेयर डेल्ट के और अच्छे रेप्स पे, बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है मेरे को वर्कआउट करने में, 2-3 घंटे जिम में नहीं बैठता मैं, और बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है। वन मोर सेट, बढ़िया था, अभी तो बहुत सारे सेट है। हाँ एक दो सेट और फिर चलते हैं, थोड़ी सी पोजिंग करते हैं और घर भागते हैं, ट्राइसेप करने की नीड नहीं। तो हाँ बार बार तुम सेम चीज का रिपीट पे देखोगे, सीधा पोजिंग करते हैं मुड़ते हैं। ये बल्क का मेन मोटिव ये था कि मेरी अपर बॉडी लोअर से बेटर हो जाए, और देखा जाए तो चेस्ट इज गेटिंग बेटर। हाँ और रियर डेल्ट तो अगर दिख रहे हो तो बढ़िया। हाँ आज के लिए इतना ही। नाइस पंप, नाइस पंप।
सो वर्कआउट को करे हुए आराम से 6 से 7 घंटे हो गए हैं. इट्स 11 राइट नाउ. तो वर्कआउट मेरा एंड हुआ था अराउंड 5. तो 11-5 जितना भी होता है दैट इज द टाइम विच हैज बीन स्पेंट रिकवरिंग और जो भी तुम मानो. मैं कुछ 2-3 घंटे सोया भी था. बट एक चीज मैं कहूंगा, इट्स द सेकेंड पुश वर्कआउट जिसमें मैंने ट्राइसेप ट्रेन करे नहीं है. सोचो कि मैं ट्राइसेप ट्रेन कर रहा हूँ बट आफ्टर सम आवर्स मैं फील कर पा रहा था कि मेरे ट्राइसेप सोर हैं बिकॉज ऑफ दोस पुशिंग मूवमेंट जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था जिम में. सो हाँ, कोई भी पुशिंग मूवमेंट में तुम्हारे 3 मसल एक्टिवेट होती है. अगर तुम इंक्लाइन स्मिथ मशीन इंक्लाइन डंबल प्रेस इंक्लाइन बारबेल प्रेस कर रहे हो तो चेस्ट तो एक्टिवेट हो रही है, फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट होता है और ट्राइसेप्स होते ही होते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जहाँ पे ट्राइसेप तुम्हारे शोल्डर या चेस्ट आ रही है. तो हाँ, तो तुम बेसिकली ये मत सोचा करो कि यार मैंने अपने पुश वर्कआउट में ट्राइसेप ट्रेन नहीं करे या शोल्डर नहीं करे. यू आर ट्रेनिंग देम बट ऐसे स्पेसिफिकली उन्हें नहीं कर रहे थे. हाँ, टू मेक देम स्ट्रॉन्गर तुम्हें उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है बट समटाइम्स आई रियली डोंट हैव टू. सो आज की लास्ट मील विच इज अ बाउल फुल ऑफ राइस एंड एग्स. एग्स है 12 और राइस है 500 ग्राम्स और उसमें थोड़ी सी टॉपिंग्स है, घी है. सो हाँ, इसे खाएंगे और मेरा हर रोज की तरह 1 लीटर वाटर पड़े रहता. क्या बताओ, थोड़ा वो बढ़ते रहता है जब तक मैं खाते रहूँ, वो बढ़ते रहेगा पानी. इसे खाएंगे और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं विद सम वीडियो एडिटिंग. हाँ, एंड दैट्स इट. कल भी सेम चीज़ रिपीट होएगी, परसों भी, तरसों भी, और यही चलते रहता है. बट वी हैव टू स्टिक विद इट, दैट्स इट. कुछ खास नहीं है. आज वर्कआउट तगड़ा हुआ जबकि आज मैंने प्री वर्कआउट भी नहीं पिया. तो वो सब मेंटल बैरियर है कि यार बिना प्री के मुझसे वर्कआउट नहीं किया जाता. इट इज ऑल इन योर माइंड. सोचो मत, करने पर ध्यान दो. सीधा मतलब तो मैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.